दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्मरदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुवकं सत्यं परं धीमहि। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है कि भगवान लोगों के द्वारा किया हुआ सम्मान क्यों स्वीकार करते हैं। भगवान को तो कोई आवश्यकता नहीं और उससे उनको कोई तृप्ति मिलती हो, कोई आनंद मिलता हो तो भी नहीं, क्योंकि वो स्वतः तृप्त हैं और परमानंद स्वरूप हैं। तो वहां बताया है कि यदि मनुष्य अपने शीशे में दिखने वाली छाया को, तस्वीर को सजाना चाहे तो इसका उपाय ये नहीं है कि शीशे को सजाया जाए, प्रतिबिंब को सजाने का कोई उपाय ही नहीं है। अपने सिर पर चंदन लगाओगे तो तस्वीर में चंदन लग जाएगा, फोटो में चंदन आ जाएगा। अपने गले में माला पहनोगे तो तस्वीर में माला आ जाएगी और शीशे में पड़ने वाले प्रतिबिंब में भी माला आ जाएगी। असल में कोई किसी दूसरे का सत्कार नहीं करता, सम्मान नहीं करता। यद यद जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। मनुष्य अगर ईश्वर के गले में माला पहनावे तो देखने में तो वो भगवान के गले में पहनाता है, परंतु वो पड़ती उसी के गले में है। सारा अभिनंदन, सारा सम्मान उस व्यक्ति को नहीं मिलता जिसका किया जाता है। असल में अभिनंदन तो अभिनंदन के कर्ता को ही मिलता है। तो नारायण कहने का अभिप्राय यह है कि आप एक व्यक्ति को ऊंचे सिंहासन पर बैठा देते हैं, उसको चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं। संभव है वो व्यक्ति योग्य हो, संभव है वो व्यक्ति योग्य न हो, उसकी योग्यता में तो संदेह हो सकता है। परंतु आपके हृदय में जो उदारता है, आपके हृदय में जो सौशील्य है, जिसके कारण आप घंटों पैदल चलते हैं, घंटों नीचे बैठते हैं, बिजली न रहने पर, लाउड स्पीकर न होने पर भी इतनी शांति से सुनते हैं, आपके हृदय में जो तप है, उदारता है, सुशीलता है, उसमें तो किसी प्रकार का संदेह ही नहीं। एक बड़ा कहा जाने वाला आदमी ढोंगी भी हो सकता है, दंभी भी हो सकता है, परंतु उसका सम्मान करने वाला, उसका सत्कार करने वाला तो सद्भावना से युक्त है, श्रद्धा से युक्त है, सद्गुण से युक्त है, उसकी श्रेष्ठता में तो किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है। इसलिए बड़ा वो नहीं है जो ऊंचे बैठता है, बड़ा वो है जो दूसरे को ऊंचे बैठाता है। हम अपनी ओर से आप सब लोगों के बड़प्पन के प्रति, इस उदारता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एक बात अभिनंदन के संबंध में भी कहनी है, क्योंकि वो बात थोड़ी सी तथ्य के विपरीत है। वो बात क्या है कि हमसे सब संप्रदाय के साधु प्रेम करते हैं,
किसी भी संप्रदाय के लोगों से हमको पादरी भी मिलते हैं, नाम तो हमको याद नहीं है, दादा बता सकता है, वो हमको बड़े प्रेम से मिलते हैं, हमको मौलवी लोग भी मिलते हैं, हमको फकीर लोग भी मिलते हैं। जैन महात्मा मुनि राकेश जी महाराज हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे पास बारंबार आते हैं। बल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी दीक्षित जी महाराज जब उनकी मौज होती है हमारे पास आ जाते हैं। श्रीनाथ जी के गोविंद लाल जी महाराज भी आते हैं। वृंदावन में जो श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य हैं, वो प्रातः काल उठ के घूमते फिरते हमारे पास आ जाते हैं, हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। उनके उत्सव होता है तो हमको बुलाते हैं, हम उदासियों के घर भी खाते हैं, सन्यासियों के घर भी खाते हैं, उदासियों से, सन्यासियों से, वैष्णवों से, शाक्तों से, तांत्रिकों से, सबसे हमारी बड़ी प्रीति है। तो जब साधुओं में कभी मतभेद होता है कि किस संप्रदाय का सभापति बनाया जाए, तो वे लोग अपने मतभेद को मिटाने के लिए हमको बीच में डाल देते हैं। तो ये भारत साधु समाज में किस संप्रदाय का साधु अध्यक्ष बने, इसमें जब मतभेद हुआ तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा नाम डाल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरकार के साथ भारत साधु समाज का हमारी जानकारी में कोई संबंध नहीं है। तो एक बात ये, और दूसरे ये भी आपको सुना दें कि ये गोहत्याबंदी आंदोलन में तो श्री कर्पात्री जी महाराज, श्री शंकराचार्य जी महाराज और भारत साधु समाज के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान मंत्री सभी बिचारे पीटे हैं, सबको चोट लगी है, बोला किसी ने अनशन किया है, किसी को चोट लगी है, तो वो सरकार की ही कोई संस्था नहीं है, गैर सरकारी संस्था है, एक बात। और दूसरी बात ये कि कर्पात्री जी महाराज ने जब अखिल भारतीय साधु संघ बनाया तो उसका हमको उपाध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष तो वेद भगवान और उपाध्यक्ष में। जब सार्वभौम साधु मंडल की स्थापना हुई, सार्वभौम साधु मंडल, तो उसका भी अध्यक्ष मुझे लोगों ने बनाया। तो मेरे प्रति जो प्रीति है, और ये बात आपको मैं भरी सभा में घोषणा करके कह देता हूँ, किसी भी संप्रदाय के प्रति न मेरे मन में राग है, न द्वेष है, न पक्षपात है, हमारी दृष्टि में ये सब हमारे ब्रह्म की, भगवान की, परमार्थ की, शाश्वत सत्य की, ये भिन्न भिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, इनमें न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। मैं अपने आत्मा के रूप में ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी लोग तो अपने उत्सव में ऐसे प्रेम से हमको ले जाते हैं बम्बई में कि प्रायः प्रतिवर्ष उनके जो वार्षिक उत्सव होते हैं उसमें हमको ले जाते हैं। तो एक बात ये आपको बताना आवश्यक था। दूसरी बात ये है कि सत्य के संबंध में, नारायण और धर्म के संबंध में, हम लोग जो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर ये बात नहीं छोड़ी जा सकती कि वो अपनी अंतः प्रेरणा के अनुसार ही समाज के साथ बर्ताव करे, आज भी ये बात बिल्कुल पक्की है। जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं उनको भी इस बात की छूट नहीं होती कि वो अंतः प्रेरणा से काम करें, उन्हें संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अगर संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलेगी, राष्ट्रपति नहीं चलेंगे, व्यक्तियों को महत्व दिया जाना जाने लगेगा कि ये गवर्नर ने कहा और ये मंत्री ने कहा और ये प्रधानमंत्री ने कहा, तो कोई तो 5 बरस में बदल जाएंगे, कोई 1 बरस में बदल जाएंगे, कोई एक प्रांत के होंगे दूसरे प्रांत के नहीं होंगे, कोई एक समाज संप्रदाय के होंगे दूसरे समाज संप्रदाय के नहीं होंगे, बिल्कुल उच्छृंखलता सृष्टि में फैल जाएगी। ये जो आपका आविष्कार है आज कि व्यक्ति पर राष्ट्र को नहीं छोड़ना, संविधान के अनुसार राष्ट्र को चलना चाहिए, आप समझते हैं ना कि ये आपकी खोज बड़ी प्रगतिशील है, आप लोग बड़े क्रांतिकारी हैं कि विश्व को एक संविधान के अंतर्गत लाना चाहते हैं। आपको क्या ये बात समझ में नहीं आती
कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने आज से हजारों बरस पहले, लाखों बरस पहले अनुभव से ये बात समझ ली थी कि केवल यंत्रों के आधार पर, आविष्कारों के आधार पर, व्यक्ति की श्रेष्ठता के आधार पर विश्व को नियंत्रित, सुश्रृंखलित नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक मर्यादा चाहिए, एक संविधान चाहिए। हमें व्यक्ति की इच्छाओं का पर नाचना नहीं है, व्यक्ति की इच्छाओं की कठपुतली नहीं बनना है। उस व्यक्ति को भी हमें अपने शाश्वत संविधान के अंतर्गत रखना है। ये दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है और आधुनिक तो वस्तु गुण, वस्तु में धर्माधर्म नहीं मिलता है, ये आज का विज्ञान भी मानता है। क्रिया में धर्माधर्म नहीं मानता है। हाथ जोड़ना धर्म है कि हाथ उठाना धर्म है? जोड़ना धर्म है कि हाथ उठाना धर्म है? ये बात जिस देश का जैसा संविधान है उसके अनुसार ही हाथ उठाना धर्म होता है और हाथ जोड़ना धर्म होता है, क्रिया में धर्म नहीं होता। यदि भावना पर ही छोड़ दिया जाए कि अपनी अपनी भावना के अनुसार सब लोग धर्म करें, तो पत्नी के प्रति बहन का भाव और बहन के प्रति पत्नी का भाव ये मनुष्य के व्यक्तित्व पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वासना जो है, वासना बड़ी प्रबल होती है। वो तो बेटी के प्रति भी, कभी बहन के प्रति भी और कभी माँ के प्रति भी मनुष्य के मन में दुर्वासना का उदय हो सकता है। इसलिए इसका नियंत्रण केवल भावना पर, वासना पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसका नियंत्रण भी संविधान के अनुसार होना चाहिए। इसी तरह से महापुरुष कौन है, संत कौन है, साधु कौन है, ये जो अपनी अपनी महिमा हाँकने वाले लोग हैं कि हमको ये अधिकार प्राप्त है कि हम पूर्व के संविधान की अवहेलना कर सकें, हमको ये अधिकार प्राप्त है कि हम नया संविधान बना सकें, हम नए पाप पुण्य की व्याख्या कर सकें और हम लोगों की वासनाओं को प्रकारांतर से आकृष्ट करके अच्छी अच्छी लड़कियां अपने पास रख लें और अच्छी अच्छी नाचने वालियां अपने पास रख लें और नाचने वाले अपने पास रख लें और उनके द्वारा युवकों की, युवतियों की वासना को आकृष्ट करके स्वयं जो है उन्हीं के ऊपर धर्माधर्म का नियंत्रण छोड़ दें, तो ऐसा कभी नहीं चल सकता। तो ये जो है यही वेद की महिमा है, यही शास्त्र की महिमा है। आधुनिक सम नहीं, ये भविष्य में भी श्रेष्ठतम व्यवस्था समाज के लिए यही रहेगी। जब विज्ञान चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा तब भी वो यही स्वीकार करेगा कि प्रकृति में अथवा ब्रह्म में अथवा माया में अथवा पंचभूत में समाज के नियंत्रण का सामर्थ्य नहीं है। समाज के नियंत्रण का यदि सामर्थ्य है तो संविधान में है। आज भी ये सर्वमान्य है और आगे भी सर्वमान्य होगा। जहाँ तात्कालिक समस्याओं के हल के लिए संविधान होता है वहाँ उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, परंतु जहाँ शाश्वत सत्यों के संबंध में संविधान होता है तो वहाँ उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारे आत्मा, हमारी एकता जो संवैधानिक है, संवैधानिक वो शाश्वत सत्य के आधार पर है और समाज व्यवस्था जो है वो उसी के आधार पर चलनी चाहिए। और ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप के संबंध में वही मनुष्य प्रामाणिक हो सकता है जिसने उस संविधान के अनुसार परमात्मा का, सत्य का अनुभव किया है। दूसरा कोई भी व्यक्ति इसके संबंध में प्रामाणिक नहीं हो सकता। तीसरी बात आपको हम ये सुनाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में रस का एक बड़ा ऊंचा स्थान है। केवल सत्य को जान करके ही हम उस पर समाज में नहीं चल सकते। केवल सत्य और केवल ज्ञान ही मनुष्य के जीवन का संचालन नहीं करते। मनुष्य के भीतर एक आनंद नाम की, एक रस नाम की वस्तु भी बैठी हुई है। यदि अंतःकरण शुद्ध होवे तो केवल सत्य के आधार पर मनुष्य व्यक्तिगत जीवन को व्यतीत कर सकता है। यदि अंतःकरण शुद्ध पहले से होवे
तब तो मनुष्य ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का संचालन कर सकता है, परंतु यदि अंतःकरण शुद्ध न हो तो सत्य को जानते हुए भी और सच्चा ज्ञान होते हुए भी मनुष्य सत्य के आधार पर, ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन के संचालन में एक तीसरा तत्व है और उसका नाम रस है। जहाँ हमको मजा मिलता है, जहाँ हमको सुख मिलता है, वहाँ हम सत्य के विपरीत भी और ज्ञान के विपरीत भी उधर झुक जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में शाश्वत सत्य के प्रति रस उत्पन्न करने के लिए और शाश्वत ज्ञान के प्रति रस उत्पन्न करने के लिए कि उसमें हमें परमानंद का अनुभव होए, रस का अनुभव होए, कई के लिए भगवत भक्ति की और प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। जैसे सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए जिसके जीवन में प्रेम का विकास नहीं हुआ है वो रुक्ष जीवन व्यतीत कर रहा है, शुष्क जीवन व्यतीत कर रहा है, इसी प्रकार पारमार्थिक आध्यात्मिक जीवन में भी रस की आवश्यकता होती है। तो नारायण उसी रस को हम कहीं कृष्ण के नाम से, कहीं राम के नाम से, कहीं शिव के नाम से, कहीं नारायण के नाम से, और कहीं उसी को समाधि के आनंद के नाम से, कहीं आत्मानंद के नाम से, कहीं ब्रह्मानंद के नाम से, उसी उज्जवल जीवन का, निर्मल जीवन का, उज्जवल जीवन में रस उत्पन्न करने के लिए, शाश्वत सत्य में रस उत्पन्न करने के लिए, अनंत ज्ञान में रस उत्पन्न करने के लिए भक्ति का निरूपण करते हैं। हमारे एक मित्र आते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी हम लोगों को ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा और शिक्षा का ऐसा प्रचार प्रसार करेंगे कि शिक्षा के बल पर सबको सदाचारी बना लेंगे। आप एक कल्पना कीजिए, शिक्षित हो जाए तब भी समाज में कुछ मूर्ख रहेंगे कि नहीं, बुद्धि सबकी एक तरीकी हो जाएगी? पढ़े लिखे होने पर भी बुद्धि सबकी एक तरीकी हो जाएगी क्या? और नए नए जो बालक पैदा होंगे वो एक ही दिन में शिक्षित हो जाएंगे क्या? समाज में क्या पागलपन का रोग नहीं रहेगा? ऐसी स्थिति में केवल शिक्षा के बल पर समाज के नियंत्रण का जो सपना है वो बिल्कुल झूठा है। दूसरी बात यह है कि आज जो हम शिक्षितों की दशा देखते हैं, आज जो शिक्षितों की दशा देखते हैं, क्या पढ़े लिखे लोग क्या घूस नहीं लेते हैं? हम तो कहते हैं कि ज्यादातर घूस पढ़े लिखे लोग ही लेते हैं, ज्यादातर घूस पढ़े लिखे, क्योंकि ऑफिसों में काम करने वाले, शासन तंत्र में काम करने वाले, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले यदि घूस न लेते, ऊंचे पदों पर यदि भ्रष्टाचार नहीं चलता तो नीचे पदों पर तो वो कभी जाता ही नहीं। असल में जब जदा चरति श्रेष्ठा तत् तदेवे करो जनहा। जो लोग विलायत जाते हैं वहाँ शराब पीते हैं, वहाँ से शराब पी के आते हैं, यहाँ भी अपने घरों में शराब पीते और पिलाते हैं, उन्हीं के नीचे रहने वाले अधीन कर्मचारी, और फिर उनको देख करके ये बड़े बनने वाले लोग शराब पीने से विरक्त कैसे हो सकते हैं? इसलिए शराब पीने का काम, भ्रष्टाचार का काम, षड्यंत्र का काम, छल कपट का काम, ये तो बड़े पैमाने पर शिक्षित लोग ही करते हैं। तो हम कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि केवल शिक्षा के आधार पर मनुष्य के जीवन का निर्माण हो सकता है? इसलिए हम कहते हैं कि सदाचार में रस की उत्पत्ति होनी चाहिए, सत्य में रस की उत्पत्ति होनी चाहिए, धर्म में रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक बार मालवीय जी महाराज ने एक बार मुझसे श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था, तो उसी प्रसंग में ये बात आई। गांधी जी ने एक जगह लिखा है कि श्रीमद् भागवत तो मैंने भी पढ़ा था, परंतु श्रीमद् भागवत से जो धर्म रस की उत्पत्ति होनी चाहिए वो मेरे जीवन में नहीं हुई। मेरे जीवन में धर्म रस की उत्पत्ति तब हुई जब मैंने मालवीय जी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। ये गांधी जी के हाथ का लिखा हुआ का अभी विद्यमान है कि हमारे जीवन में धर्म रस की उत्पत्ति हुई। एक बात हम अपने उन भाइयों से, कामरेड भाइयों से भी कहने वाले हैं। उनका ऐसा ख्याल है कि यदि गरीबी दूर हो जाएगी तो सब लोग दूध के धुले हो जाएंगे और सदाचारी हो जाएंगे। लेकिन हम
देखते हैं कि क्या जहाँ जिस देश में गरीबी नहीं है या जो लोग गरीब नहीं हैं, जिनके पास धन बहुत इकट्ठा हो गया है, क्या उनका अंतकरण शुद्ध है, क्या वे भ्रष्टाचारी नहीं है, क्या वे पापी नहीं है। बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि उनके पास ज्यादा साधन होने के कारण, ज्यादा मोटर होने से, ज्यादा पैसा होने से, ज्यादा स्त्रियों के आकर्षण की सामग्री होने से, ज्यादा एक एक आदमी एक एक बोतल, दो दो बोतल शराब, डेढ़ डेढ़ सौ रुपए की शराब, सौ सौ रुपए की शराब एक एक आदमी रोज पी जाते हैं, ये बात हमको मालूम है। डॉक्टर जैन ने हमको बुला करके एक दिन कहा कि स्वामी जी, अब ये सेठ अगर शराब पिएगा तो मर जाएगा, आप इसको समझाओ कि शराब पीना छोड़ दे। बोला कहिए बाजारू स्त्रियों को रखने वाले, बस हमने धनियों को जितना देखा है क्लब में जाते और एक लेखों के साथ संबंध रखते या अपने जीवन को दुष्चरित्र बनाते, तो उतना तो हमने गरीबों को नहीं देखा है। हम गरीबों का इस संबंध में आदर करते हैं और आपको ये बात बताते हैं कि केवल धन की वृद्धि से, यदि हमारे देश में धन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसी से जो सदाचारी होने की हम आशा लगाए बैठे हैं और उसी का सपना देखते हैं कि देश सदाचारी हो जाएगा धन बढ़ने से, तो वो बात बिल्कुल गलत है। केवल धन की वृद्धि से देश में सदाचार, संस्कार, धर्म नहीं हो सकता। उसके लिए तो एक दूसरी पद्धति है और वो हमारी पद्धति ये है कि हम सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, सदाचार के प्रति लोगों में रस उत्पन्न करें, जिससे वे कष्ट सहन करके भी, गरीबी सहन करके भी और मूर्खता की दशा में रहते हुए भी और वैदुष्य की दशा में रहते हुए भी, गरीबी में, अमीरी में, मूर्खता में और विद्वत्ता में और देश में, विदेश में किसी के साथ भी संपर्क करते हुए उनको मजा त्याग में आवे, उनको मजा तप में आवे, उनको मजा नियंत्रण में आवे, उनको मजा ईश्वर में आवे, उनको मजा धर्म में आवे, इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता है। इसलिए हमारा कहना है कि हमारे जीवन को सत्य की ओर, धर्म की ओर मोड़ने के लिए, सदाचार की ओर और पवित्रता की ओर मोड़ने के लिए हमारे जीवन में धर्म रस की उत्पत्ति आवश्यक है और ये रस बिना भक्ति के, बिना भक्ति के किसी भी प्रकार हमारे जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए हमने समाधि लगा करके, एकांत में बैठ करके, निष्पक्ष भाव से विचार करके, सारी संप्रदायों को अपनी आत्मा के रूप में देख करके, संपूर्ण विश्व को भगवान के रूप में पहचान करके, बिना किसी निर्दयता के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अंतकरण की अशुद्धि के, ये निश्चय हमने प्राप्त किया है कि जब तक मनुष्य के जीवन में भक्ति रस, धर्म रस, ज्ञान रस की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक चाहे वो विश्व के किसी भी कोने का नागरिक होए, जंगल का नागरिक होए, अमेरिका का नागरिक होए, रूस का नागरिक होए, चीन का या पाकिस्तान का नागरिक होए, जब तक उसके हृदय में एक रस का भाव उदय नहीं होगा, तब तक वो अपने को नियंत्रित रखकर समाज के कल्याण के लिए ठीक ठीक काम करने में सफल नहीं हो सकता। इसी से जो लोग अंतकरण शुद्धि का प्रयास न करके केवल कर्म शुद्धि में या द्रव्य शुद्धि में लगे हुए हैं, तो उनका प्रयास सफल होता हुआ नहीं दिखता। हम जानते हैं कि इस जीवन में हमें भौतिक सुख की भी जरूरत है। हमारे देश में अन्न का उत्पादन होना चाहिए। ये जो भिखमंगी है कि हमारे खाने के लिए अमुक देश हमारी मदद करे, अमुक देश में से अन्न आवे, ये सचमुच हमारे देश में एक देश की जनता में एक हीनता का भाव लाने वाली वस्तु है। जब वो हो, हम तो दूसरे से मदद लेकर खाते हैं, एक समय खाना अच्छा है, लेकिन ये भीख मांगकर, सहायता लेकर, उधार लेकर दूसरों से ये अन्न खाना, ये तो बड़ी बड़ी लज्जा की बात है। हमारे देश में अन्न का उत्पादन होना चाहिए, हमारे देश में वस्त्र का उत्पादन होना चाहिए, हमारे देश में अच्छे अच्छे यंत्रों का उत्पादन होना चाहिए, बाग बनने चाहिए, बिजली होनी चाहिए, वैज्ञानिक
आविष्कार होने चाहिए, हमारे ज्ञान और विज्ञान की उन्नति होनी चाहिए, हमारे गांधर्व वेद, हमारे आयुर्वेद, हमारे धनुर्वेद, हमारे स्थापत्य वेद की उन्नति होनी चाहिए। हम इंजीनियरिंग में भी, हम शिल्प कला में भी, हम नृत्य संगीत में भी, और हम डॉक्टरी औषधि में भी, और हम देश और भी जो शिल्प कलाएं हैं देश की, उनमें भी हमको किसी से पिछड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। परंतु ये कब होगा? जब ये हम छोटी 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 चीजों के पीछे जो बहे जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, मानो हमारे हृदय का कोई महत्व ही ना हो, हमारी आत्मा का कोई महत्व ही ना हो, तुच्छ तुच्छ वस्तुओं के सामने अपने को गिरा देते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, अपनी दृष्टि में अपने को हीन बना देते हैं, और इस हीनता का परिणाम ये होता है कि दिनों दिन दुख की वृद्धि हो रही है, शोक की वृद्धि हो रही है। मैं आपको खुली सभा में ये बात कहता हूँ कि एक बार देखो, हमारे एक मित्र ने कहा कि थोड़ी प्रेम की बात करना, समय तो आज बहुत कम है, और आप लोगों ने बड़ी बड़ी कृतज्ञता प्रकट की, अभिनंदन प्रकट किया। मैं ये बात भी स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूँ कि मैं जादूगरी पर कोई विश्वास नहीं करता, न तो जादूगरी किसी को दिखाता हूँ, और न तो हमारे पास कोई जादू है, हम चमत्कार की बात भी नहीं जानते, लेकिन हमारा जो ईश्वर के साथ रिश्ता है वो विश्वास मूलक नहीं है, हमारा जो ईश्वर के साथ संबंध है वो हमारे अपरोक्ष अनुभव से है, हमारे प्रत्यक्ष से है, केवल विश्वास के बल पर नहीं है, केवल श्रद्धा के बल पर नहीं है। इसलिए आपके बीच में ये बात स्पष्ट रूप से मैं कहने में समर्थ हूँ कि यदि आप अपने हृदय में मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण चंद्र को, मुस्कुराते हुए रामचंद्र को प्रेम भरी चितवन से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण को अनुग्रह भरी दृष्टि से देखते हुए आशुतोष भगवान शंकर को और अनुग्रह की वर्षा करते हुए भगवान नारायण को, जो भी आपका इष्ट होवे, यदि उसको आप अपने हृदय में देखेंगे, ये आपके सुख की कुंजी है, ये आपके सुख को भी सुख बनाने की कला है कि आप अपने हृदय में हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगवान का दर्शन करें। जितनी देर तक आप इस भावना को अपने हृदय में बढ़ा सकेंगे, उतनी देर तक आपको कोई दुख और कोई शोक आपका स्पर्श नहीं कर सकता। आप इसको ऋषियों का वरदान समझो, आपके लिए ये जीवन की एक कला समझो कि आपके जीवन में जो दुख शोक भय आता है उसका भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण करके, चाहे संयोग की स्फूर्ति से और चाहे वियोग की स्फूर्ति से, केवल आस्तिकता मात्र काफी नहीं है, ईश्वर है हम हाथ जोड़ते हैं इतने ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यदि ईश्वर के संयोग की भावना से आपके हृदय में आनंद का उल्लास हो जाए, आनंद का विकास हो जाए, अथवा वियोग की भावना से वेदना हो, तो केवल भगवान के लिए हो और किसी दूसरे के लिए ना हो। ये भक्ति रस यदि आपके जीवन में, आस्तिकता दूसरी वस्तु है और भक्ति रस दूसरी वस्तु है, और भक्ति रस तब आता है जब आपके हृदय में संयोग रस अथवा वियोग रस का स्फुरण हो। तो इन नौ दस दिनों में बिना किसी दुराव के, बिना किसी छिपाव के, बिना किसी कपट के, कोई भी बात गुप्त नहीं रख करके, मैंने मंत्र भी, ये हम गोस्वामी जी का एक पद ही आपके सामने दोहरा देते हैं, शंकर साखी चौ राखी कहो कछु, तो जरजीह करो अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी समुझी परो करो तो जाही दूसरो सो करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि शंकर भगवान साक्षी हैं, गवाह हैं। शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरजी है करो, यदि मैं कुछ छिपा करके बोलता हूँ तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए, अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी समूझी करो। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि सचमुच परमात्मा के सिवाय, भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए संसार के राजत द्वेष को जरा शिथिल करके, कम करके, अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़िए,
आपके जीवन में कर्म भी आवेगा और अंततो गत्वा मोक्ष प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी वस्तु तो ये होगी कि आपको अपरोक्ष साक्षात रूप से रस की उपलब्धि होगी, भगवान का दर्शन होगा। अब इससे अधिक मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। आप अपने जीवन की कड़ी को भगवान के साथ जोड़िए और यदि आप हमारी इस प्रार्थना के फल स्वरूप, निवेदन के फल स्वरूप यदि आप भगवान का नाम रोज लेते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, दुखियों को कुछ न कुछ देते हैं नारायण, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यदि आज हमारी प्रार्थना से, निवेदन से आप उसमें कुछ वृद्धि कर दें, 5 नाम और ज्यादा लेने लग जाए, 1 नया पैसा रोज और देने लग जाए और जान बूझ करके किसी को सतावे नहीं और जहाँ तक हो सके दूसरे को सुख पहुँचाने की कोशिश करें, तो हमारा यहाँ आना, आप लोगों से मिलना, आप लोगों की ये तकलीफ, ये हमारा प्रवचन, ये सब सफल हो जाएगा और इससे आपको जीवन में बड़ा बड़ा सुख, बड़ा बड़ा आनंद, बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। ओम शांति शांति शांति।